हमारे देश में आने वाली 1 जुलाई से अहम बदलाव होने जा रहा है और इसके बारे में आपको हमको सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस संहिता से देश में कानून का इकबाल बुलंद रहता था वो पूरी संहिता बदलने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आने वाली 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 अहम कानूनों की। पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दरअसल भारत में आईपीसी की जिस धारा को हम सुनते या देखते आ रहे थे वो समाप्त हो जाएगी। अब पुलिस और न्यायपालिका भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत ही काम करेगी। बता दें कि 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेगी और ये लागू हो जाएगी। इस कानून के लागू होने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, हम सालों से ये महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि दंड संहिता का लोगों भी हमें डराता था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आँख बंद करके कौन न्याय करता है। आँख बंद करना तो गुलामी का प्रतीक है और वैसे भी भारत का इतिहास दंड का नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। मील का पत्थर साबित होगी। हम वर्षों से इस बात को महसूस करते थे कि हमारे यहाँ ये जो आईपीसी की धारा 1860 दंड भारतीय दंड संहिता जिसका लोगों ही हमको डराता था, आँखों पे पट्टी बांधी हुई न्याय की देवता तराजू में अपना न्याय करे, आँख पे पट्टी बांध के कौन न्याय करा सकता है। हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की पद्धति है, आँख खोल करके 5 जने गाँव के अंदर भी बैठ करके किसी के भी फैसले कर सकते हैं। तो ये न्याय की परंपरा विक्रमादित्य के काल से, रामराज्य के काल से, तो ऐसे में पुनर्स्थापित किए माननीय मोदी जी की सरकार ने और हम उसको लागू कर रहे हैं, हमें इस बात का गर्व। और दंड संहिता मतलब जो सामने आए उसको केवल दंड देना, इसलिए उनका उसमें निहितार्थ था कि वो दंड संहिता अर्थात हर व्यक्ति के लिए दंड की कल्पना करते हैं। हमारे यहाँ न्याय की परंपरा, इसलिए न्याय से हमारा संबंध आता। और विक्रमादित्य का न्याय, प्रेमचंद का पंच परमेश्वर वाली कहानी, ऐसे सब शुरू से हमारे यहाँ तो कई उदाहरण भरे पड़े, हरिश्चंद्र का न्याय। वैसे आपको बता दें कि 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से भारत में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। अब पुलिस और न्यायपालिका भारतीय न्यायिक संहिता यानी कि बीएनएस के तहत कार्रवाई करेगी। अब पहले की 511 धाराओं की जगह केवल 358 धाराएं ही लागू होंगी। दरअसल आगामी 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 अहम कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो रहा है। भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इन तीनों कानूनों के तहत 0 FIR, ऑनलाइन पुलिस शिकायत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भेजना और घृणित अपराधों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी। आपको बता दें कि नए कानूनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी दखल बढ़ने से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। अब देश के हर एक पुलिस स्टेशन में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी कि CCTNS एप्लीकेशन के तहत सभी केस दर्ज होंगे। वैसे आपको ये भी बताएं कि आईपीसी और नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की तुलना करें तो नए कानून में सरकार की ओर से 33 धाराओं में कारावास की सज़ा को बढ़ाया गया है, यानी कि जिन अपराधों में कारावास की सज़ा 3 साल हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया है। इसके अलावा नई संहिता के तहत क्या क्या प्रावधान हुए हैं, एक व्यक्ति सशरीर पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए बगैर भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटना की रिपोर्ट कर सकता है, इससे पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेने में मदद मिल पाएगी। इसके अलावा नए कानून में 0 FIR की भी शुरुआत की गई है। पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में अपनी FIR दर्ज करा सकता है। पीड़ित को FIR की कॉपी भी निःशुल्क सौंपने की व्यवस्था इसमें की गई है। इसके साथ ही सशक्त जांच के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में सबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों का जाना भी अनिवार्य होगा। सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से कर दी गई है। ये व्यवस्था नए नियम में है।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, ऐसे में जांच एजेंसियों को 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होगी। 90 दिनों के अंदर पीड़ितों को केस में प्रगति की नियमित अपडेट भी देनी होगी कि क्या चल रहा है। इसके अलावा अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फर्स्ट एड या इलाज की निःशुल्क व्यवस्था मिलने की गारंटी होगी। चुनौती भरी परिस्थितियों में पीड़ित जल्द ठीक भी हो सकेंगे। गंभीर अपराध होने की परिस्थिति में गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी लागू करेंगी। दुष्कर्म पीड़िताओं को ऑडियो वीडियो माध्यम से पुलिस के सामने बयान दर्ज करने की छूट भी मिल पाएगी। इसके अलावा नए कानून में मामूली अपराध के लिए दंड के स्वरूप सामुदायिक सेवा वीक की विधा शुरू की गई है। समाज के लिए सकारात्मक योगदान देकर दोषी अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेंगे, मसलन पेड़ लगाना और भी दूसरे काम। सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए कोई अदालत किसी मामले को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही स्थगित कर सकेगी। सभी कानूनी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकेगी, इसकी भी व्यवस्था है। इसके अलावा पीड़ित महिला की अदालती सुनवाई महिला मजिस्ट्रेट ही करेंगी, नहीं तो संवेदनशील मामलों में किसी महिला की मौजूदगी में पुरुष मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होगा, ये भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। इसी तरह सीआरपीसी की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 166 थी और ये ज्यादा है। माना जा रहा है कि नए कानून लागू होने से तारीख पर तारीख की स्थिति में बदलाव आएगा और लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा। इसी तरह 83 ऐसी धाराएं हैं जिनमें जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही 23 धाराओं में कम से कम सजा को सुनिश्चित भी कर दिया गया है। नए कानून में विदेश में बैठकर किसी संगठन और व्यक्ति के द्वारा भारत में अपराध करने पर उसके खिलाफ नए कानून की धारा 48 के तहत उसी अपराध की सजा दी जाएगी जो उसने कराया है। इसी तरह कई बदलाव नए कानून में किए गए हैं। नए कानून में छोटे अपराध की अगर बात की जाए तो छोटे अपराध करने वालों के लिए कम्युनिटी सर्विस कानून बनाया गया, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। इसमें दोषी को पौधे लगाना, पानी पिलाना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना जैसी व्यवस्था भी सजा मिल सकती है। यह उन अपराधों के लिए है जिसमें 3 महीने से कम की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून में भीड़ में किसी व्यक्ति की जान जाने पर धारा 103(2) के तहत फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन के मामले में भी अब 10 साल की सजा है। हिट एंड रन से बचने के लिए जिस व्यक्ति से दुर्घटना होती है उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना होगा और पुलिस को इसकी खबर भी देनी होगी कि ऐसी घटना हो चुकी है। अब ये जान लीजिए कि किस अपराध में नई संहिता के अनुसार कौन सी धारा लागू होगी। जैसे हत्या की धारा पहले 302 कहलाती थी, अब 103 कहलाई। हत्या का प्रयास 307 की जगह अब 109 के नाम से जाना जाएगा। गैर इरादतन हत्या 304A थी, अब इसकी जगह 106 हो जाएगी। दहेज हत्या के लिए 304B की जगह इसे 80 धारा के तहत माना जाएगा। डकैती 395 की जगह 310(3), लूट 392 की जगह 309(4), दुष्कर्म 376 की जगह 64 और चोरी 380 की जगह 305 धारा लागू हो।